भाई की टीम ने पानियस के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें पाई के जब ऐप को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है, पाई टू डे चैलेंज रिजल्ट। यहाँ पे पाई टू डे के जो रिजल्ट आने थे वो चैलेंज के रिजल्ट आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या रहा है, प्रोग्रेस टू ओपन नेटवर्क चैलेंज, ये है यहाँ पे। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझने के लिए चलते हैं यहाँ पे रीड मोर पे। जो लोग पाई की माइनिंग कर रहे हैं वो लोग इसको समझते हैं, ओपन नेटवर्क आने वाला है और कब आएगा ओपन नेटवर्क, कितनी प्राइस जा सकती है, सारा कुछ समझेंगे। चलते हैं पहले रीड मोर पर क्लिक करके, हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पे हमने इसमें हिंदी में आपको बताने के लिए यहाँ पे ये कर रखा, पाई टू डे प्रोग्रेस ओपन नेटवर्क चैलेंज 28 जून 2024 को शुरू हुआ और 11 जुलाई को समाप्त हुआ। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई। यह चुनौती केवाईसी और माइनर चेकलिस्ट सहित हमारे ओपन नेटवर्क लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक पायनियर्स कार्यों पर केंद्रित है। साथ ही पायनियर्स को सोशल प्रोफाइल और ऑन चेन लॉकअप जैसी बिल्कुल नई सुविधाओं के साथ जुड़ने की अनुमति दी यहाँ पे। और इस जांच प्रक्रिया प्रतिभागियों के माध्यम से पायनियर्स के पाई ऐप और प्लेटफॉर्म और सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर काम किया। यानी जो भी इन्होंने चैलेंज रखा था, जो इनके ऐप हैं और जिन लोगों ने केवाईसी माइग्रेशन कंप्लीट किया है और जो उनके लॉकअप पीरियड के थे, जो भी जिन्होंने भी जिन पायनियर्स ने इसमें हिस्सा लिया, उनका जो है ये इसमें बता रहे हैं कि इनका जो है तोहफा इसमें इन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पे इसमें आगे और देखते हैं, इस जांच प्रक्रिया में गतिविधियों के पायनियर्स में मैं अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है और ओपन नेटवर्क लक्ष्यों की दिशा में प्रगति, यानी ओपन नेटवर्क आने में बहुत ही कम समय बचा है इनके इस बात से लग रहा है। ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो भी टारगेट इन्होंने रखे थे, 3 टारगेट रखे थे, वो टारगेट इनके कंप्लीट बस होने ही वाले हैं। 2024 में ही इनका ओपन नेटवर्क आएगा। इन्होंने कहा है, नेटवर्क लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने में पाई समुदाय की सामूहिक भावना का प्रदर्शन किया है। नीचे इस बात का अपडेट दिया गया है कि यह चुनौती कैसी रही। चुनौती अवलोकन में इन्होंने क्या बताया, प्रोग्रेस टू ओपन नेटवर्क चैलेंज के दौरान भागीदारी का स्तर प्रभावशाली था और हम रोमांचित हैं कि इतने सारे पायनियर्स ने अनुभव का उतना ही आनंद लिया जितना हमने लिया। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है उनको जो खुशी हो रही है वो पाई के टीम को भी हो रही है। इसमें दुनिया भर के लगभग 4.5 मिलियन पायनियर्स ने चुनौती में भाग लिया था। 4.5 मिलियन जो पायनियर्स हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और इसकी सफलता में योगदान दिया। कुल मिलाकर 1.4 मिलियन से अधिक पायनियर्स ने सफलतापूर्वक सब कुछ पूरा किया। यानी लगभग 1.5 मिलियन पायनियर्स ने जो भी हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें 1.5 मिलियन जो है, 1.4 मिलियन पायनियर्स ने उसमें सफलतापूर्वक आगे हिस्सा लिया है और वो विजयी हुए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, उसमें चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और पाई चैट्स में अपने उपयोगकर्ता नाम के आगे चयनित इमोजी और अद्वितीय अनुकूलित छवि प्राप्त की, जैसे पायनियर्स सोशल मीडिया पर दिखा सकते हैं। तो और इन्होंने पाई टुडे स्पेशल प्रोफाइल्स की भी शुरुआत की थी, जो एक नया प्रोफाइल फीचर था। तो ये बहुत सारा कुछ इसमें इन्होंने बताया है, यही कि जो भी जैसे रीड पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये रेडायरेक्ट करके हमें यहीं पे ले आता है। इसको हमने हिंदी में बता दिया है और बाकी जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो वो इंग्लिश में यहाँ पर आकर और ये सारा कुछ रीड कर सकते हैं। यही सारा कुछ सिस्टम इसमें दिया गया है, बताया गया है। और कब तक ये लॉन्च होगा, अब ये आप समझ लीजिए कि 2024 में ही ये दिसंबर तक लॉन्च होना है, ओपन मैनेट आना है। और इसका जो है बहुत सा अच्छा, ये पाई एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। इसकी वैल्यू कोई आंक नहीं सकता। हाँ, प्रेजेंट टाइम में वैल्यू इसकी शून्य है और आपस में पी टू पी के माध्यम से 20 रुपये 25 रुपये ट्रांसफ़र चल रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि
कि इसमें पार्टिसिपेट ना करें P2P में और इसको बचा कर रखें। जब ओपन नेटवर्क आएगा तो इससे हम गुड सर्विस, बहुत सारी सर्विसें पाएंगे जिससे हम इसमें बहुत सारा कुछ अर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।